सच्ची मोहब्बत शायद वही है जिसमें जुनून है। पर दोनों दिलों की यारी में भी कितना सुकून है। कली सी नाजुक वो, चट्टान सा बलवान वो, मिले थे वो ऐसे कि तकदीर ने लिखा बिछड़ना। तो चलिए सुनाते हैं आपको तुनीश और शिजान की बाघी लव स्टोरी। सीरियल अली बाबा दास्ताने काबुल के सेट पर मिले दोनों। शुरुआत से ही दोनों में जबरदस्त बॉन्ड था। वहीं आउटडोर शूट के लिए जब दोनों लद्दाख गए तब दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। एक दूसरे के परिवार से भी दोनों काफी घुल मिल गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेट पर दोनों के बारे में गॉसिप होने लगे। दोनों लंच साथ करते और फ्री टाइम भी साथ ही गुजारते। शिजान और तुनीशा में जुलाई से अक्टूबर तक सब कुछ सही चला। दोनों के रिश्ते में नवंबर में दरार आई जब शिजान को तुनीशा के पैनिक अटैक के बारे में पता चला, जिसके लिए वो डॉक्टर के संपर्क में थे। शिजान ने पुलिस को बताया कि इसलिए उनसे रिश्ता खत्म कर दिया था क्योंकि वो पैनिक अटैक की बात सुन डर गया था। शिजान ने कहा, मैंने उसको कहा कि इलाज के बाद फिर से एक साथ आने पर विचार कर सकते हैं। आत्महत्या से 15 दिन पहले शिजान खान ने कहा कि उसने उससे कहा था कि उनकी उम्र और धर्म में अंतर के कारण रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। नाराजगी बेरुखी दोनों के बीच शिजान मूव ऑन होने लगे। तुनीशा शायद पैचअप चाहती थी। और फिर वो मनहूस दिन 24 दिसंबर 2022 को तुनीशा ने शिजान के मेकअप रूम के वॉशरूम में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। शिजान बिना देरी किए तुनीशा को हॉस्पिटल ले आए, पर वहां डॉक्टर ने कहा दम घुटने की वजह से तुनीशा ने दम तोड़ दिया। शिजान का रो रो कर बुरा हाल था। इस तरह खत्म हुई इनकी इश्क की दास्तान। तुनीशा के निधन के बाद पुलिस ने शिजान को हिरासत में ले लिया और अब दोनों परिवार के बीच जंग चल रही है। तुनीशा की मम्मी ने शिजान पर कई इल्जाम लगाए। क्योंकि तुनीशा, मैं बताऊं, सुसाइड करने वाली नहीं थी। मेरे मन में आता है कुछ ना कुछ वो उस, क्योंकि उसने शिजान के रूम में की है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात हुई है और शिजान ने ही उसको उतारा है। शायद उसके सांस चल रहे हो और शिजान ने कहा तो मर जा जो मर, पता है आई डोंट नो क्या हुआ है। लेकिन मेरी एक ही हाथ जोड़ के बेनती है कि श्रीराम को सजा होनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है बस। आप मेरा सारा साथ दो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। श्रीजान से जब तुनीशा ने सुनने वाली बात बताई थी रिलेशनशिप में है, उस वक्त आपने कोई ऑब्जेक्शन लिया उसमें या फिर आपने कुछ समर्थन किया? श्रीजान और तुनीशा जब संबंध में आए, मेरा जब उसने मेरे को बताया कि मामा मेरे को श्रीजान अच्छा लगता है तो मम्मा मैं शादी भी करूँगी, तो मैंने तुनीशा को बोला, मैंने कहा बेटा अभी अपने कैरियर की तरफ ध्यान दो, ठीक है, अभी इस चीज़ के लिए 3-6 साल पड़े हैं मेरे, तब जब होगा, जब टाइम होगा तब देखेंगे। मैंने उसको सिर्फ ये जवाब दिया। वहीं शिजान की बहन फलक और शफक ने भी बड़ी बेबाकी से कहा, के बताया है कि बस फंस जाए, फंस जाए, मतलब ब्लैकमेलिंग, ब्लैक मैजिक, हिजाब, ब्लैक मैजिक, क्या था ये ब्लैक मैजिक? व्हाट इज ब्लैक मैजिक? सीरियसली, एक्चुअली आप मेंटल हेल्थ को छोड़ के, वो पॉइंट हटा के आप सब कुछ बोल रहे हो। आपने एक बार नहीं बोला कि मेरी बच्चे की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। तुनीशा ने 2018 में उसने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें उसने बहुत क्लियरली बोला है कि मुझे मेरी ग्रैंड मदर और मेरी कजन सिस्टर के डेथ के बाद से मैं बहुत एंजाइटी से निकल रही थी। मैं सेट पे जाती थी तो मुझे ज़ॉम्बी फील होता था। वो लड़की इतना क्लियरली बोल के गई है और उनकी मम्मी अभी भी इसी डिनाइल में है कि उनकी बेटी को सिर्फ OCD था, वो काम नहीं करना चाहती थी। लेट मी क्लियर दिस, उसको घूमना था, उसको दुनिया देखनी थी, वो कभी बाहर नहीं निकली। पहली बार हमारे साथ बीच पे गई थी वो बच्ची, फॉर गॉड सेक, दाना पानी। और वो बहुत खुश थी, वो बहुत खुश थी, उसने पहली बार बाहर की जिंदगी देखी। और मैं एक बात बोलूं, हमें बहुत फक्र है कि हमने 5 महीने उसको बहुत खुशी दी है, बहुत बहुत खुशी दी। काश हम उससे पहले मिले होते और जितना साल वो जी है ना बच्ची, हम उसको शायद और खुशी दे सकते। सीना ठोक के ये बात बोलती हूँ मैं। उसकी मम्मी उन्हें बाहर जाने नहीं देती थी, नहीं जाने देती थी, वो बहुत फोन करती थी। ये बात पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेट कि उनको कितने कॉल्स। जब मैं लद्दाख में थी तुनीशा के साथ, मेरे फोन पे मिस्ड कॉल्स हैं
बैक टू बैक कॉल, मतलब उठाया, हाँ जी मम्मा, हाँ टुन्नू खाना खा लिया, हाँ जी मम्मा, अच्छा मैं अभी सोने के लिए लेटी हूँ, कट टू वापस फोन। वो इतने फोन करती थी, इतने फोन करती थी कि टुनिशा फोन फेंक दिया करती थी अपना। ये मेरे सामने हुआ है, ये पूरी यूनिट के साथ होता था क्योंकि वो यूनिट में भी सबको फोन लगाया करती थी। तो कुछ यूं रही इनकी अधूरी इश्क की दास्तां।